सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पांच ऐसे ऐप्स के बारे में जो आप डेली यूज़ के लिए काफ़ी यूज़फुल हैं। मतलब जैसे उनके ओरिजिनल ऐप्स आए हुए हैं, उनके प्रो वर्जन जो किसी उसी डेवलपर ने नहीं बनाए, किसी और डेवलपर बना के प्ले स्टोर पर अपलोड कर दिए हैं। सॉरी, प्ले स्टोर पर नहीं मिलेंगे, वो गूगल पर मिल जाएंगे। सो काफ़ी यूज़फुल, उनके फीचर्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम आते हैं वो ऐप्स। जो ऐप्स मैं बहुत दिनों से यूज़ करता हूँ डेली, जो मेरे बहुत काम आते हैं, मैं बहुत दिनों से यूज़ करता हूँ उन ऐप्स के। पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो ऐप है वो है जीबी बॉट्स ऐप। आप लोगों ने बहुत सुना होगा जीबी बॉट्स ऐप, तो कुछ लोग यूज़ भी करते होंगे उसे। जीबी बॉट्स ऐप में डायरेक्ट स्टोरी डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड हो जाती है। जाए पछ मिले था सुकून मेरे दिल में सुननी सुन। एंड अब अगर आपके पास कोई मैसेज करता है और उसे डिलीट कर देता है, डिलीट फॉर एवरीवन, सो उस मैसेज को तुम्हारे पास डिलीट नहीं होगा कभी भी। एंड इसमें ग्रुप एंड चैट अलग आती है, इसमें ग्रुप्स अलग आते हैं, स्टेटस तो आते ही सब में आते हैं। सो इस लिस्ट में दूसरा सेकंड जो ऐप है वो है इंस्टा प्रो, जो काफ़ी हाई कुछ अच्छे फीचर्स हैं उसमें। मतलब जो इंस्टाग्राम के फीचर्स हैं उनकी सोच जहाँ पर ख़त्म होती है, इसकी सोच वहाँ से स्टार्ट होती है। सो इसमें प्राइवेट फाइल की फ़ोटो को हम देख सकते हैं बड़ा करके, किसी की भी फाइल को बड़ा करके देख सकते हैं, प्रोफाइल को फोटो बड़ा हमको दिख जाता है प्रोफाइल पिक। एंड किसी की वीडियो, जैसे यहाँ पर ये पोस्ट आ रही है, तो इसे हम डाउनलोड कर सकते हैं, डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। एंड सो इस लिस्ट में थर्ड जो ऐप है वो है यूट्यूब पिंक। सो ये भी बहुत यूज़फुल है, बहुत काम आता है मेरे पढ़ने में, स्टूडेंट के लिए और एनी, मतलब जो भी यूट्यूब यूज़ करता है, यूट्यूब सारे लोग यूज़ करते हैं यहाँ तक है। सो इस वाले यूट्यूब में हम कोई भी गाना मिनिमाइज़ करके चला सकते हैं, जो हमारी होम स्क्रीन पर चलता रहेगा, MP3 की तरह चलता है। सो इसमें आपको कोई भी ऐड देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी वीडियो आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऐड नहीं आते इसमें। एंड और भी बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें दोस्तों। इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूं कि ब्रेव ब्राउजर बढ़िया है या गूगल क्रोम बढ़िया है। आप कॉपीराइट आ जाएगी, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें, बिल्कुल ऐड नहीं आते। तो मेरी फोर्थ लिस्ट में एप्लीकेशन है काइन मास्टर मोड APK, जो गूगल पे काफ़ी इजीली मिल जाएगा। सो इसमें बहुत यूज़ होता है, बहुत ही यूज़फुल है एडिटिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए। और जो भी पेड वर्जन में होता है इसमें सब कुछ पेड वर्जन वाला फ्री वर्जन में मिल जाता है। सो इस वाले एप्लीकेशन में हम बिल्कुल पेड वर्जन में, जो पेड वर्जन करके हमें लेना पड़ता है, जैसे विदाउट वाटर मार्क आता है और कुछ एफेक्ट्स हैं जो पेड वर्जन को मिलते हैं, पेड यूजर को मिलते हैं। तो इसमें हम उन एफेक्ट्स को एंड किसी भी, इसमें वाटर मार्क नहीं आता कोई भी। सो यहाँ पे आपको वाटर मार्क देखने को मिलता है, इसमें नहीं मिलेगा। इसे भी, ये भी बहुत यूज़फुल ऐप है आपकी यूज़ के लिए, बहुत अच्छा रहेगा। इस लिस्ट में मेरा फिफ्थ और लास्ट एप्लीकेशन है वो है पिक्स आर्ट का मोड वर्जन है ये, जो काफ़ी यूज़फुल है हमारे लिए, जो पेड वर्जन के लिए फ्री में यूज़ कर सकते हैं, पेड वर्जन वाला ऐप फ्री में यूज़ कर सकते हैं आप। काफ़ी यूज़फुल है इस ऐप में। इसमें हम बहुत जो पेड वर्जन पेड जो पेड यूज़र के लिए होता है, इसमें सिर्फ फ्री में मिल जाता है वो सब कुछ, जो पेड यूज़र के लिए होता है इसमें फ्री में मिल जाता है। और इसमें हम वीडियो भी एडिट कर सकते हैं, अभी लेटेस्ट फीचर आया है वीडियो एडिटिंग के लिए। फ़ोटो के लिए जो पेड यूज़र के लिए जो एफेक्ट्स होते हैं वो यूज कर सकते हैं हम आसानी से। एंड बहुत कुछ है इसमें, जैसे ये पेड वर्जन के लिए होता है Remove VG, इंटरनेट कनेक्ट करके तो हो सकता है अभी कर लेंगे। बहुत यूज़फुल ऐप है आप ये हमारे लिए। गाइस, मैंने आपको कुछ भी यूज़फुल बताया हो तो उसके वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।